खरगोन जिले में दसोरा नागर गुप्ता समाज जन ने जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस की चपेट में आए चीन में दो युवक जो खरगोन जिले के हैं वो बुरी तरह फंसे हुए हैं, जिसमें उनके परिजन काफी परेशान हैं। वहीं युवक वीडियो के माध्यम से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी के चलते दसोरा समाज के पदाधिकारी परिजन को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और युवकों को एयरलिफ्टिंग करके अपने वतन वापस लाने के नाम पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाज अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री सहित मुख्यमंत्री के सहारे चीन में फंसे दोनों बच्चों को वापस लाना हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिससे परिजन की समस्या का निराकरण हो सके। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सर, हमारा बेटा जो चीन में फंसा हुआ है, हमारे दसोरा समाज की ओर से कलेक्टर महोदय से हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द एयरलिफ्ट भेजा जाए और हमारे बच्चे को सुरक्षित यहाँ पर खरगोन लाया जाए। किस प्रकार की मांग करते हैं आप सरकार से? सर, यही मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके बच्चा सुरक्षित आ जाए। क्या नाम लिखते हैं? मनीषा गुप्ता। हमने माननीय जिलाधीश महोदय से अपील की है दसोरा समाज मध्य प्रदेश के बैनर तले कि खरगोन शहर के और गोगावा के जो दो बेटे चाइना के इस शहर में जो फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट करके सीधे दिल्ली लाया जाए, इसकी मांग की हमने जिलाधीश महोदय से, जिसकी प्रतिलिपि है माननीय प्रधानमंत्री महोदय, विदेश मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय और खरगोन में MLA साहब को भी इनकी प्रतिलिपि भेजी हमने। किस प्रकार की मदद चाहते हैं आप? बस इनको एयरलिफ्ट करके शीघ्र से शीघ्र दिल्ली तक लाया जाए, वहाँ इनको ऑब्जर्वेशन में रखकर फिर हमें हमारे सुपुर्द किया जाए उनको। संजय गुप्ता, अध्यक्ष मध्य प्रदेश दसोरा समाज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन।